सो गाइज वेलकम बैक, कैसे हैं आप सब दोस्तों। टिकटॉक पे आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होते ही रहता है, लेकिन कुछ वीडियोस दोस्तों टिकटॉक पे ऐसे वायरल होते हैं जो दिल में जगह बना लेते हैं, दिल को कहीं ना कहीं छू लेते हैं। क्योंकि दोस्तों हर किसी के ज़िंदगी में कोई ना कोई स्पेशल होता है। अब फ्रेंड्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ उसमें बेस्ट फ्रेंड होते हैं। इसी तरह से दोस्तों BF, GF या फिर कोई रिश्तेदार या फिर कोई एक्टर दोस्तों हो सकता है जो आपका फेवरेट है। अब दोस्तों इसको अगर आपको जाहिर करना हो कि तुम मेरे फेवरेट एक्टर हो या तुम मेरे फेवरेट दोस्त हो या जो कुछ भी दोस्तों आप कह सकते हैं, अगर आपको जाहिर करना हो तो आप कैसा जाहिर करेंगे। तो गाइज इसी तरह का एक वीडियो टिकटॉक पे वायरल हो रहा है, जिसमें दोस्तों आप अपने फेवरेट एक्टर या फिर बेस्ट फ्रेंड या फिर GF या फिर BF किसी को भी दोस्तों आप इम्प्रेस कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं कि यार तुम मेरे दिल के कितने करीब हो। तो गाइज आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप भी इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपका वीडियो वायरल भी हो सकता है और दोस्तों आप जाहिर भी कर सकते हैं आप किससे कितना प्यार करते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में आपको कुछ इस तरह के वीडियो बनाकर दिखाने वाला हूँ। दोस्तों जो वीडियो आपने भी स्क्रीन पे देखा है, इस तरह के वीडियो आप भी बड़े आसानी से अपने किसी भी स्मार्टफोन से 1 से 2 मिनट के अंदर ही बना सकते हैं। दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको अपने वीडियो को कुछ इस तरह का शूट करना है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये दोस्तों डिपेंड आपके ऊपर करता है आप किस तरह से एक्टिंग करेंगे। मैंने दोस्तों यहाँ पे एक नॉर्मल सी वीडियो शूट की थी। इस तरह से आपने वीडियो शूट कर ली, अब आपके पास उनका फोटो होना चाहिए जिनको आप इम्प्रेस करना चाहते हैं या जिनके सामने आप जाहिर करना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके फोन में एक एप्लीकेशन होना चाहिए, आप सबको पता है काइन मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ से 9 और 16 का आपको एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करना है। गाइज वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मीडिया ब्राउजर में जाना है। सबसे पहले आपको अपने उस वीडियो को सेलेक्ट करना है जो वीडियो आपने नॉर्मल कैमरे से शूट किया था, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। अब दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग पोजीशन पर लेके आएंगे। अब दोस्तों आपको लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, बैकग्राउंड फोल्डर से दोस्तों आपको ब्लैक कलर का यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बैकग्राउंड को दोस्तों इस तरह से खींच के आपको वीडियो के लास्ट पोजीशन तक रख देना है। उसके बाद फिर से दोस्तों स्टार्टिंग पोजीशन पे आएंगे। इस बैकग्राउंड को दोस्तों आपको पहले ही थोड़ा सा छोटा कर देना है ताकि दोस्तों 5 बैकग्राउंड आपके स्क्रीन में ऐड हो सके। उसके बाद दोस्तों यहीं से आपको डिलीट के नीचे 3 डॉट पर जाना है, डुप्लीकेट कर लेना है। फिर से बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर जाना है, डुप्लीकेट कर लेना है। इस तरह से दोस्तों आपको 5 बार डुप्लीकेट कर लेना है ताकि आप 5 फोटो यहाँ पे ऐड कर सकें। तो यहाँ पे 5 बार डुप्लीकेट कर लिया है, जैसा गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रीन को थोड़ा सा इस तरह से बड़ा कर देना है और वीडियो को इस तरह से दोस्तों स्लाइड करके आपको देख लेना है। जिस साइड से दोस्तों पहली बार आप अपने हाथ को नीचे से ऊपर करते हैं, उसी जगह पे आपको एक बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको कैंची पे जाना है, ट्रिम टू लैपटॉप पे हट करके आपको इस तरह से यहाँ पे कटिंग कर देना है। उसके बाद दोस्तों जब आप बैकग्राउंड को कटिंग करेंगे तो वो बैकग्राउंड ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा। बैकग्राउंड पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से दोस्तों बैकग्राउंड को ला के आपको नीचे इस तरह से छुपा देना है ताकि गाइज ये यहाँ पे नजर ना आए। उसके बाद डिलीट के ऊपर आपको चाबी पे जाना है। यहाँ से दोस्तों आपको इस तरह से थोड़ा सा स्लाइड कर लेना है, जहाँ पे दोस्तों आपका हाथ ऊपर आता है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी पोजिशन पर आपको प्लस पर डॉट देना है और इस फोटो को दोस्तों आपको इस तरह से ऊपर ला के अपने हाथ के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे आपको सेट कर देना है। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। अगेन दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा स्लाइड करेंगे, जहाँ पे दोस्तों दूसरी बार आप हाथ को उठाते हैं, जैसा गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से दोस्तों आपको एक बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, कैंची पे जाना है, ट्रिम टू लैपटॉप पे हट करके काट देंगे। दोस्तों जैसे आप बैकग्राउंड को कटिंग करेंगे वो बैकग्राउंड सबसे नीचे दोस्तों यहाँ पे चला जाएगा, जैसा गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, दूसरे साइड में गाइज ला के आपको इस तरह से यहाँ पे छुपा देना है ताकि ये नज़र ना आए। डिलीट के ऊपर आपको चाबी पे क्लिक करना है और दोस्तों इसी जगह पे आपको जहाँ पे आप हाथ को उठाते हैं ऊपर, आपको प्लस पर डॉट देना है। इस बैकग्राउंड को दोस्तों आपको इस तरह से ऊपर ले जाके आपको सेट कर देना है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। अगेन दोस्तों आपको एक बैकग्राउंड पर फिर से क्लिक करना है, इस तरह से दोस्तों स्लाइड करके आपको देख लेना है। इस बार दोस्तों आप ऊपर से अपने बैकग्राउंड को इस साइड में लेके आते हैं, तो गाइज इसी जगह से आपको कैंची पे जाना है, ट्रिम टू लैपटॉप पे हट करके काट देंगे।
अगेन दोस्तों आपको नीचे वाले बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, क्योंकि जब आप कटिंग करेंगे वो नीचे चला जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आपको इस साइड में ला के इस बैकग्राउंड को छुपा देना है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। डिलीट के ऊपर आपको चाबी पे जाना है, और जैसे दोस्तों आपका हाथ बाहर आता है उसी जगह पे आपको प्लस पे डॉट देना है, और इस बैकग्राउंड को दोस्तों आपको साइड से इस जगह पे ला के रख देना है जहाँ पे दोस्तों आप रखना चाहते हैं। इस तरह से आपको इसको मैनेज कर लेना है। इसी तरह से दोस्तों आपको चौथे बैकग्राउंड को भी कटिंग करके कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चार बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है। उसके बाद गाइज यहाँ से आपको ओके करना है। इस बैकग्राउंड पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। वीडियो को थोड़ा स्लाइड करके देख लेंगे, जब आप नीचे से दोस्तों बैकग्राउंड को ऊपर लाने के लिए कोशिश करते हैं उसी जगह पे आपको कैंची पे जाना है। यहाँ से आपको ट्रिम टू लैपटॉप प्लेहेड करके काट देना है। उसके बाद दोस्तों यहीं से आपको ओके कर देना है। अब गाइज इस बैकग्राउंड को आपको, ये आपका फेवरेट वाला बैकग्राउंड है, इसको आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको बड़ा कर लेना है। उसके बाद गाइज इसको ला के आपको इस तरह से नीचे इसको भी आपको छुपा देना है ताकि दोस्तों ये नजर ना आए। उसके बाद डिलीट के ऊपर आपको चाबी पे जाना है। वीडियो को स्लाइड करके इस तरह से देख लेंगे दोस्तों, जहाँ पे आपका हाथ ऊपर आता है जैसा गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहीं पे आपको प्लस पे डॉट देना है, और इस बैकग्राउंड को दोस्तों आपको इस तरह से नीचे से ऊपर लेके इस तरह से आ जाना है। जैसा गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से इसको दोस्तों छोटा बड़ा रख सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ से आपको ओके करना है। स्क्रीन को आपको इस तरह से छोटा कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका बैकग्राउंड कुछ इस तरह का आएगा। जैसा गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका बैकग्राउंड इस तरह से आपके हाथ के हिसाब से दोस्तों आने वाला है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब गाइज यहाँ पे लास्ट काम ये बचता है, आपको अपने वीडियो में दोस्तों फोटो को ऐड करना है। दोस्तों वीडियो को स्लाइड करके उस पोजीशन पे लेके जाएंगे जहाँ पे दोस्तों आप अपने हाथ को सीने पे लेके जाते हैं, जैसा गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी जगह पे दोस्तों आपको लेयर में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको अपने उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिस फोटो को दोस्तों यहाँ पे आप लगाना चाहते हैं। फोटो को दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पे छोटा कर देना है बैकग्राउंड के हिसाब से। अगर आपका फोटो दोस्तों किसी और शेप में है तो यहाँ पे आप क्रॉपिंग में जाके फोटो को कटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे, इस फोटो को आपको अगेन सेलेक्ट करना है। बैकग्राउंड के ऊपर दोस्तों आपको इस तरह से छोटा बड़ा करके अच्छे से सेट कर लेना है। इन एनिमेशन में जाना है, यहाँ से आपको इसको फेड रखना है। टाइमिंग को दोस्तों आपको 0.5 सेकंड रख देना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। इसी तरह से दोस्तों आपको अपने सारे फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना है। दोस्तों मैंने अपने वीडियो में सारे फोटो को यहाँ पे ऐड कर लिया, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसा गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने 5 फोटो दोस्तों यहाँ पे ऐड किया है। पांचों फोटो दोस्तों मेरा गूगल का था, मैंने गूगल से डाउनलोड किया था। मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। गाइज यहाँ पे आपका वीडियो कुछ इस तरह का बनने वाला है। अगर आप अच्छे से इस वीडियो को बना के ट्रेंडिंग साउंड पे अपलोड करते हैं, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका वीडियो भी वायरल हो जाए। जैसा गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से दोस्तों आपका वीडियो यहाँ पे बनने वाला है। वीडियो को सेव और शेयर करने के लिए आपको शेयर बटन पे क्लिक करना है। 720 और 30 रखने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देंगे।